हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में बताने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान और कैप्टन कूल कहलाने वाले महेंद्र सिंह धोनी के फैंस हमेशा ही उनसे जुड़ी बातों को लेकर एक्साइटेड रहते हैं। सोशल मीडिया पर धोनी के फोटोज़ और वीडियोज़ अक्सर वायरल होते रहते हैं। फैंस धोनी के साथ ही उनकी बेटी जीवा और पत्नी साक्षी पर भी खूब प्यार लुटाते हैं। इस बीच धोनी से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर सिनेमा लवर्स भी खुश हो जाएंगे। MS धोनी साउथ इंडियन सिनेमा के दो बड़े स्टार के साथ फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माही जल्दी ही सिनेमा के फील्ड में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि धोनी साउथ इंडस्ट्री से अपनी फिल्मों की शुरुआत करेंगे। अपने पहले प्रोजेक्ट में धोनी ने साउथ के सुपरस्टार एक्टर्स थलापति विजय और महेश बाबू को लेने की योजना बनाई है। बतौर प्रोड्यूसर धोनी ने अपनी फिल्म में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन और कन्नड़ इंडस्ट्री से किच्चा सुदीप को भी कास्ट करने की तैयारी की है। वहीं हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि अपनी पहली फिल्म में महेंद्र सिंह धोनी एक्ट्रेस नयनतारा को कास्ट करेंगे, लेकिन अब ऐसा शायद नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धोनी की IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि माही खुद थलापति विजय की फिल्म में कैमियो भी करते हुए नजर आ सकते हैं। धोनी को फिल्मों में एक्टर देखना हर फैंस का ड्रीम कम ट्रू सिचुएशन होगा। धोनी का एक प्रोडक्शन हाउस भी है जिसका नाम MS धोनी एंटरटेनमेंट है। इस प्रोडक्शन हाउस को धोनी के साथ साथ उनकी पत्नी साक्षी भी मैनेज करती हैं। जानकारी के मुताबिक इनका नया ऑफिस चेन्नई में बन रहा है। याद दिला दें कि इस प्रोडक्शन हाउस से रोर ऑफ लायन, द हिडन हिंदू और प्लेस टू ग्लोरी जैसे तीन छोटे बजट की फिल्में बन चुकी। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि महेंद्र सिंह धोनी की इस फिल्म को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।